नमस्कार दोस्तों। देखिए दोस्तों, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक बताई थी अलजेब्रा की, कि आपको मैंने बताया था कि अगर x प्लस वन अपॉन एक्स कुछ भी दे रखा है, a दे रखा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए स्क्वायर माइनस टू, और सो पावर फोर हो तो क्या हो जाएगी, वही बताया था। उसके अलावा मैंने आपको एक और बात बताई थी, दूसरी बात ये थी कि अगर अंडर रूट पी प्लस अंडर रूट क्यू है अपॉन अंडर रूट पी माइनस अंडर रूट क्यू है प्लस अंडर रूट पी माइनस अंडर रूट क्यू है अपॉन अंडर रूट पी प्लस अंडर रूट क्यू है, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये याद रखिएगा, मैंने लास्ट लेक्चर में बड़े अच्छे से बताया था, टू पी प्लस क्यू अपॉन में पी माइनस। ठीक है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखेंगे, ज्यादातर क्वेश्चन हो जाएंगे अगर यहाँ प्लस का, अगर यहाँ माइनस का साइन होता है, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ माइनस का साइन होगा तो क्या बन जाएगा, अगर ये माइनस का साइन होता है तो माइनस के साइन के केस में ये बन जाएगा टू अंडर रूट पी क्यू अपॉन पी माइनस क्यू, सॉरी टू नहीं फोर, फोर फोर। इस लेक्चर को देखने से पहले आप लास्ट लेक्चर जरूर देखिएगा, लेक्चर नंबर फोर या लेक्चर नंबर फाइव, उसी से लिंक, उसी मैंने ये भी हिंट बताया कि अब मैं डिटेल में बताता हूं मैं क्या बताना चाह रहा था। उसके अलावा एक और चीज हमको ध्यान रखनी थी, अगर x प्लस वन अपॉन एक्स है a के बराबर, तो x क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब किसके बराबर होगा भैया, a क्यूब माइनस थ्री ए, और इस पे जो ऑपरेशन थे वो भी मैंने समझाए थे आपको लास्ट क्लास में, लेकिन बार बार रिपीट इसे कह रहा हूं कि ये चीज आपके दिमाग में स्पॉन्टेनियसली आए, एकदम इंस्टेंटली आनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन क्या है, इन दोनों का महत्व क्या है ये समझेंगे। ये माइनस के केस में अगर माइनस हो तो प्लस के केस में ये हो जाएगा। ठीक, चलिए अब आते हैं क्वेश्चंस पे और देखिए क्वेश्चन कैसे बड़े प्यार से होंगे, ऑप्शन की सहायता से हम क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे। जैसे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, देखिए इफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री प्लस वन अपॉन अंडर रूट थ्री माइनस वन एंड y इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री माइनस वन अपॉन अंडर रूट थ्री प्लस वन, देन फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए ऑप्शन देखिए, 10, 15 बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है आपका 14 और डी ऑप्शन है आपका 13। अब देखिए क्वेश्चन बनाना तो सबको आता है, क्वेश्चन बहुत लोग बना लेते हैं, लेकिन हम क्वेश्चन को करने के तरीका सीधा देखेंगे कैसे सीधा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब मेरी बात सुनिए, जिसने मेरा पहला लेक्चर देखा हुआ था तो आपको पता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये क्या, ये कैसे आया हुआ, देखिए एक दूसरे के इनवर्स है। सबसे पहले आप देखिए एक्स इंटू वाई आप करेंगे ये वन के बराबर आएगा, ये बस आपको देखना था और कुछ नहीं करना था, इनवर्स है ना। ठीक है, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की फॉर्म ही बनेगी, तो ये x प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की फॉर्म ही है, तो इसमें भी वही होगा ए स्क्वायर माइनस टू, तो ए स्क्वायर माइनस टू की फॉर्म किसमें दे रही है, ये नहीं दे रहा, ये नहीं दे रहा, ये दे रहा है बस, तो ए स्क्वायर माइनस टू की फॉर्म हो जाएगी। मुझे कुछ भी इसके अलावा बस मुझे देखना था एक दूसरे इनवर्स है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बस, तो ए स्क्वायर माइनस टू की फॉर्म ये दे दे। ठीक है दोस्तों, ये तो सीधा ऑप्शन देख के क्वेश्चन हुआ सेकेंडों के अंदर, आपके मन में जो डिटेल में करना चाह रहा है वो भी समझ लीजिए। देखिए अगर हम इसको डिटेल में सोल्व करेंगे तो मैंने अभी बताया आपको x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x इंटू वाई तो 1 है और x प्लस वाई की वैल्यू ये ओरली करना आ रहा चाहिए 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 1 और ऊपर आएगा नीचे आएगा 3 माइनस 1, तो ये 2 हो जाएगा कट जाएगा 3 प्लस 1 4 आएगा, 4 का स्क्वायर माइनस 2 14 आ जाएगा। ये करने ये पता होना चाहिए लेकिन मैं ये ऑप्शन से करना इसके लिए बेहतर है बस, और ये भी माइंड में ही होना चाहिए। देखिए रजिस्टर भरने से एंट्रेंस के एग्जाम क्लियर नहीं होते, माइंड भरना है, माइंड को शार्प करना है, ऑब्जर्वेशन बनानी कैसे हो रही क्वेश्चन, कितने प्यार से हमने इस क्वेश्चन को कर दिया सीधा ही। ठीक है, चलिए मैं एक और क्वेश्चन कराता हूं इसी टाइप का आपको,
और मेरी वीडियो सीक्वेंस में देखिएगा जब सी सारा फायदा होगा। अब देखिए क्यूब के क्वेश्चन करते हैं। क्यूब का एक क्वेश्चन है, x माइनस वन अपॉन x की वैल्यू 3 दे रखी है और हमें पूछा गया है फाइंड x क्यूब माइनस वन अपॉन x क्यूब, इसकी वैल्यू पूछी गई है। देखिए अब आपके दिमाग सीधा आ रहा होगा, सर ऑप्शन तो लिखिए, क्योंकि ऑप्शन से तो मैं एक सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को कर सकता हूं। ऑप्शन लिखे हुए हैं 32, 36, 40 और 49। इस वीडियो को आप जितनी बार देखेंगे उतना ही फायदा होगा, लेकिन पिछली वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। अभी हमने पढ़ा था x माइनस वन अपॉन x की वैल्यू कितनी है 3, तो ये माइनस वाला है, तो अब देखिए इधर मैं बता देता हूं माइनस वाले टर्म में क्या होगा। x माइनस वन अपॉन x है तो a की वैल्यू है, तो अगर क्यूब करेंगे तो ये जो आएगा x क्यूब माइनस वन अपॉन x क्यूब, ये हो जाएगा भैया आपका a क्यूब प्लस 3a, a क्यूब प्लस 3a हो जाएगा। ठीक है, तो a क्यूब प्लस 3a कितना होगा वो देखें यहां पे। अभी आपको किसी का भी क्यूब दिख रहा है उसमें 3a जोड़ना है, तो आप देखेंगे कि ये हो रहा है, सीधा नंबर दिया ही हुआ वैसे तो, हाँ 3 का क्यूब 27, 27 और 3 दूनी 6 तो 36 आंसर आ जाएगा। और मैं आपको बताता हूं ये बार बार फिक्स रहता है, यही नंबर आएंगे आपके तो 36 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए अगर यहां प्लस होता तो ये 18 आ जाता, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स और यहां एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू पूछते तो ये क्या आ जाता 18। मैं बता देता हूं, देखिए 3 के केस में क्या आएगा भैया, 3 के केस में क्या होगा, 3 का क्यूब 27, 27 प्लस 3 प्लस a होगा या 3 माइनस a होगा, तो 3 के केस में क्या आएगा भैया, या तो 18 आएगा और या फिर कितना आएगा 36 आएगा। समझ में आया आपके मैं क्या बता रहा हूं, ये नंबर इधर उधर होते दिखेंगे। ऐसे ही 4 के केस में क्या होगा, देखिए 4 के केस में क्या होगा, 4 का क्यूब 64, 64 माने 64 4 3 12, तो 64 में से 12 का कितना आएगा 52, और इधर कितना आएगा भैया 64 प्लस 12 कितना होता है 76। ये आपके माइंड में रहेंगे ना तो आपको बड़ी जल्दी कैलकुलेशन होगी और आंसर आएगा। और बताता हूं आपको, हां जी, और देखिए अगर ये ध्यान रखने वाली बातें हैं, और जैसे आ जाए आपके लिए 5, तो 5 का क्यूब 125 प्लस 5 थी 15, तो इधर मैं घटा के लिख रहा था तो 110 आ जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा 125 प्लस 15 कितना आ जाएगा 140। तो आपके माइंड में रहेंगी चीजें कैसे हो रही हैं। 6 का भी बता देता हूं, यही आता है 3, 4, 5 और 6, यही आपको ध्यान में रखनी चाहिए। 6 का क्यूब कितना होता है 216 और 6 की है 18, तो घटाओगे तो 198 आएगा, ये बहुत बार आता है। और 6 का क्यूब 216 प्लस में 6 की है 18, तो कितना आएगा 218 और कितना 234। ठीक है भैया, 216 प्लस में 18 234 ही होगा। ठीक, तो अब देखिए इसको अभी याद करने वाली बात नहीं, आपको सीधा दिख ही रहा होगा ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, बार बार ये नंबर रिपीट होते दिखेंगे आपको क्यूब और स्क्वायर के क्वेश्चंस में, तो सीधा ऑप्शन देखेंगे और कटाक से आंसर दे देंगे। ठीक है, ये इधर माइनस वाले रहेंगे इधर प्लस वाले रहेंगे। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन करते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन है, ये एक्स इक्वल टू अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 एंड वाई इज इक्वल टू अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2। तो हमसे पूछा है फाइंड द वैल्यू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ऑप्शन देखिए अब ध्यान से, 950, 730, सी ऑप्शन है 650 और डी ऑप्शन देखिए 970। अब आप समझिए
देखिए इस क्वेश्चन को मैं कैसे कर सकता था, मुझे ये दिख रहा है एक दूसरे के इनवर्स है, x इंटू वाई वन होगा बस, इससे ज्यादा मुझे नहीं दिखना कुछ। ये यानी एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब की फॉर्म है, ठीक है। तो आप मेरी बात सुनिए, प्लस वाला है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा आपको पता है, ए क्यूब माइनस थ्री ए, बस ए क्यूब माइनस थ्री ए। तो एक क्यूब किसी क्यूब में से थ्री ए घटने वाला, आपको एक ही नंबर दिख रहा है 700 970। ये कैसा है, मैं 10 का बता देता हूं, 10 का क्या होगा, हजार होता है ना 10 का क्यूब, माइनस थ्री ए कितना हो जाएगा 970, और प्लस के केस में कितना हो जाएगा 1030। ये बताना था लास्ट स्टेप में, मैंने नहीं ध्यान रहा, 970 और 30 100। अब जिसको ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही, एक तो पहले पिछला लेक्चर देखे, और अभी मैं इसको इसके थ्रू भी बता देता हूं डिटेल में, ठीक है, और वो भी माइंड में होना चाहिए, उसमें भी ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़े, ठीक है दोस्तों। चलिए देखिए, अगर ये एक्स है और ये वाई है, एक दूसरे के इनवर्स आपको एक्स इंटू वाई दिख ही रहे, ये वन होगा। अगर आप इनको जोड़ेंगे तो मैंने अभी बताया था अंडर रूट पी प्लस अंडर रूट क्यू वाली बात है, तो ये कितना आएगा भैया, 2p प्लस क्यू अपॉन पी माइनस क्यू। तो p की वैल्यू कितनी है, 3, और ये 2, 5, और 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, अपॉन में 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1, तो नीचे तो 1 ही आएगा, 5, 3 प्लस 2, 5, और 2 से मल्टीप्लाई करते 10 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो x प्लस 1 अपॉन x, यानी x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया आपके यहाँ, 10, और यहाँ फिर x क्यूब प्लस 1 अपॉन x की क्यूब पूछा गया है, तो कितना आ जाएगा ये, a क्यूब माइनस 3a, ठीक है दोस्तों। और मैं सीधा इसको देखते ही कर सकता था टिक, बड़े प्यार से, ठीक है। चलिए, और देखिए ऑप्शन से तो मैंने कर ही दिया, और डिटेल में भी मैंने ज्यादा लिखा नहीं कुछ, डिटेल में मैंने माइंड में ही काम किया, माइंड पे काम करना सीखेंगे, पेन कम से कम चलाएंगे, दिमाग ज्यादा चलाएंगे। चलिए दोस्तों, अब देखो इसकी फॉर्म कैसे बढ़ता है, चेंज करता है इसी क्वेश्चन पे, अब वो क्या पूछ रहा है, मैं इसको रब कर रहा हूं, अब देखिए इसी क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है, कैसे ऑप्शन चेंज होंगे, अब कैसे इसको परिवर्तित करेगा क्वेश्चन को। अब वो पूछ रहे हैं ये a के बराबर है और ये b के बराबर है, तो आपसे पूछ रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर अपॉन b प्लस b स्क्वायर अपॉन a, और ऑप्शन आपको फिर वही दे रखे हैं, देखिए ऑप्शन बार बार 1030, फिर ऑप्शन है 970, सी ऑप्शन दिया हुआ है आपको 1025, और डी ऑप्शन दिया हुआ है 930। अब जिसको भी ज्यादा समझदारी है, दिमाग आपने पढ़ रहे हो ठीक से, तो आपको तुरंत दिमाग में आएगा कि भाई दो ऑप्शन तो मेरे किसी काम के लिए, इनसे तो कुछ बनेगा ही नहीं। अच्छा, आप इसको सोल्व करना आना चाहिए, ये भी माइंड में देखो, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो, वन आ रहा है, और ये कितना दे देगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो वही वाली बात होगी, मैं लिख लेना अभी कुछ, देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो क्या आ जाएगा, प्लस वाला है ना, तो ए क्यूब माइनस थ्री ए, तो कितना आ जाएगा, ए क्यूब माइनस थ्री ए, ए की आंसर होगा आपका 970। अब आप क्वेश्चन यहां से इतना देखोगे, बस ये देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यह देखोगे आप आंसर आराम से टिक कर सकते हो, ये कुछ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, और डिटेल में मैं नहीं करा रहा, बहुत आराम से हो जाएगा, आपको पता ही होगा 10 आएगा, देखो। अच्छा ये हुआ क्यों, ए क्यूब प्लस बी क्यूब आएगा, नीचे ए भी आएगा, आपको पता है ए इंटू बी तो 1 है, इनटू बी को मल्टीप्लाई करोगे 1 है, तो ये आएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन में ए भी आ रहा था, तो ये 1 की तरह काम करेगा, तो ऊपर से आंसर हो जाएगा। तो कितनी अच्छी समझ बना दी हमने इन क्वेश्चन को करने की, ठीक है दोस्तों। चलिए और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप के, देखिए और बताता हूं एक क्वेश्चन में आपको, यहां पे लिखा हुआ है a अपॉन b प्लस b अपॉन a इज इक्वल टू 3, a अपॉन b और b अपॉन इज इक्वल टू 3, देन फाइंड, हमसे पूछा गया है a अपॉन b क्यूब प्लस b अपॉन a क्यूब, इसकी वैल्यू पूछी गई है, तो मेरे ख्याल से अब तो आराम से आंसर आ गया। मैं आपको अलग अलग टाइप के तरीके दिखा रहा हूं, मतलब यही क्वेश्चन कैसे घुमा रहा है। देखिए युद्ध जीतने के लिए आपको एक स्टेप आगे चलना पड़ेगा, क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं और क्या क्या चेंजेस हुए हैं, ठीक है, अभी तो उन्हीं पे बात करें, क्या क्या चेंजेस हो चुके हैं इनके, अलग अलग तरीके, एक ही क्वेश्चन कैसे कैसे अलग अलग ढंग से बना रहा है, ठीक है।
जैसे सब्जी बनाने के लिए अलग अलग दाल, एक ही दाल को कैसे अलग अलग तरीके से बनाता है, अलग अलग पकवान बोल देता है, ऐसा नहीं है वो एक ही चीज से बनी हुई है, ओरिजिन वही है। तो अब देखिए इसका आंसर तो आपको पता ही लग रहा होगा। अब ये क्या आंसर आएगा भैया, ये तो एक्स है और ये वाई है, तो एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन वाई क्यूब दे रहा है, एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब दे रहा है, तो कितना हो जाएगा, ए क्यूब माइनस थ्री ए की फॉर्म आएगी। मैंने ऑप्शन नहीं लिखे थे, ऑप्शन में लिख देता हूं, ऑप्शन लिखे हुए हैं 18, 36, 24 और 12। तो आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए भैया ए क्यूब माइनस थ्री ए की फॉर्म है, माइनस वाली फॉर्म है, तो कितना आ जाएगा ये 18। 3 का मैंने आपको बताया था ना 18 होता है। तो बड़े प्यार से हुआ दोस्तों ये क्वेश्चन भी। चलिए तो हमसे आराम से क्वेश्चन हो रहे हैं, मैं एक क्वेश्चन और कराता हूं आपको इसी टाइप का, बहुत स्लोली एंड स्टेडली पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा मैं आपको। अब देखिए एक और क्वेश्चन है, और ये सारे एग्जाम में आए क्वेश्चन है। इफ ए इज इक्वल टू अंडर रूट फोर प्लस अंडर रूट थ्री माइनस टू माइनस रूट थ्री एंड बी इज इक्वल टू टू माइनस रूट थ्री अपॉन टू प्लस रूट थ्री, ठीक है दोस्तों। तो पूछा गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इसकी वैल्यू बताइए। ऑप्शन दिया गया है 185, बी ऑप्शन दिया गया है 195, सी ऑप्शन दिया गया है 200 और डी ऑप्शन दिया गया है 175। तो अब देखो, अब चेंजेस उसने आपको, अगर जिस बच्चे ने पहले वर्कआउट नहीं कर रखा हो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, यहाँ तो फोर, अरे भैया वही बात लिखी हुई है, टू टू प्लस रूट थ्री है, टू माइनस रूट थ्री सेम बात है, और इसको आपको आप रूट में ले ले तो और बेटर रहेगा, चार प्लस तीन, क्योंकि हमें इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्योंकि हमने इस पर कैलकुलेशन आसान रहेगी, ये भी रूट चार रूट चार रूट चार हो जाएगा। आप पहले बताओ ए और बी की वैल्यू देखिए, तो ये तो वन है, ठीक, तो ये क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वन है एक तरीके से, तो ए स्क्वायर वही वाली बात है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो आएगी वो आएगी ए स्क्वायर माइनस टू, और उसमें वन और जोड़ देंगे, तो ए स्क्वायर मतलब जो भी था इसमें ए लिख दिया हमने, एन मान लेता हूं, एन स्क्वायर माइनस टू है इसकी वैल्यू, और इसकी वन प्लस वन और जोड़ देंगे तो हमारा क्या आएगा, एन स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। तो रूट में से एक, किसी स्क्वायर में से एक कम बस, तो कौन सी, एन स्क्वायर प्लस, हाँ जी ठीक है ठीक है, तो जो भी आंसर होगा वो हमारा बिल्कुल ठीक है, ये आंसर हो जाएगा भैया 196 में से वन कम, बस देखते ही हुआ, ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर रूट के आसपास ही आंसर आना था, तो ये आंसर हो जाएगा, समझ में आया। पूरे सीजीएल में आए क्वेश्चन है मेरे बनाए, ऑप्शन नहीं है, क्वेश्चन नहीं है, खुद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा रहा हूं मैं सारे, तो कितने प्यार से क्वेश्चन हो रहे हैं ये। चलिए एक और बताता हूं क्वेश्चन आपको, बड़ा अच्छा, थोड़ी वीडियो बड़ी करेंगे क्योंकि एक जैसे ही क्वेश्चन मैं करा रहा हूं बार बार। थ्री प्लस टू रूट टू का होल क्यूब प्लस थ्री माइनस टू रूट टू का होल क्यूब, इसकी वैल्यू पूछी गई है, ऑप्शन दिया गया 189, 180, 108 और दिया गया 198। तो अगर वो क्यूब वाली चीजें आपने पढ़ी थी, तीन चार पांच का क्यूब में क्या होता है, तो आपको आंसर तुरंत आना चाहिए, कहीं कंफ्यूजन की स्थिति है ही नहीं, ये आंसर आएगा ऑप्शन देखते ही हो जाएगा ठक से, क्योंकि अगर आप ध्यान दो इसको एक्स मानो तो ये वन अपॉन एक्स ही है, इसका इनवर्स है, तो एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब की फॉर्म है ये, ए क्यूब माइनस थ्री ए वाली फॉर्म हो जाएगी, छह का क्यूब बन रहा है, छह क्यूब माइनस सिक्स है, ठीक है दोस्तों। चलिए मैं आपको एक और बात बताता हूं, मैं थोड़ा जल्दी चल रहा हूं तो आप वीडियो आराम से रुक रुक के देखिएगा और खुद एनालिसिस भी कीजिएगा, ठीक है। चलिए जो इसको डिटेल में करना चाह रहा है वो भी मेरी बात समझे, डिटेल में हम इसको कैसे करेंगे भैया, थ्री प्लस टू रूट थ्री और थ्री माइनस टू रूट थ्री इनवर्स है ना, तो इसको आप एक्स मान लो, इसको वाई मान लो, इसका इनवर्स है वन अपॉन एक्स, तो आप इनको जोड़ोगे एक्स प्लस वन अपॉन एक्स है, तो कितना हो जाएगा भैया, ये तो कट जाएगा, तो तीन और तीन छह आ जाएगा, माइनस टू तो कट ही जाएगा बस, तो
छह आ जाएगा और ये माइंड में हो सकता तीन दो तीन छह आ जाएगा, बाकी ये तो कट ही जाएगा, ये वाला पूरा कट ही जाएगा आपका आराम से। ठीक है, तो ये वाला कट ही गया तो बस हमारा आंसर कितना आता है, तो छह क्या क्यूब माइनस थ्री इंटू सिक्स, तो कितना आ रहा था ये 198। समझ में आया दोस्तों? अब देखा कैसे हमने कभी ऑब्जर्व ही नहीं की बात, हम बनाने में लगे रहते थे। आप क्वेश्चन डिटेल में सोल्व करना बड़ी बात नहीं है इस तरीके से। अब देखो इसको करने में कितना टाइम लगेगा, अगर आप एग्जाम में बैठे ये क्वेश्चन आया तो आप 2 सेकंड 5 सेकंड के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन कर सकते, उससे भी कम लगेगा। ये तो पुराना नंबर जाना पिछाना बस खत्म। मैक्सिमम इसमें क्या कर सकता है, इसमें प्लस टू यहां लिख देते 200 आंसर हो जाता, इस बात का ध्यान रख सकते। तो आप सेपरेटली इसकी वैल्यू निकाल देते, माइनस टू लिख देता उसकी वैल्यू देख लेते ध्यान से, पहले सेपरेटली इसकी वैल्यू निकाल लेते, इसको आइडेंटिफाई आपको करना चाहिए था। ए क्यूब माइनस एक्स, अब एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब। चलिए थोड़े थोड़े चेंजेस करके क्वेश्चन को कैसे बनाता रहता है उसको समझेंगे। चलिए अब देखिए एक और क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं। एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू वन अपॉन थ्री। अब पूछा गया है फाइंड एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू बताइए भैया। ऑप्शन दिए गए हैं 81, 110, 125 और 27। ठीक है दोस्त, तो आप इस पे ध्यान दें तो बताइए क्या आंसर बनेगा। तो आप मेरी बात सुने ध्यान से, अगर आप चाहें तो इसमें दो, एक तो ये भी बन रहा है, हाँ एक ही आंसर दिख रहा है मेरे को, ये बस खत्म, ये आंसर हो सकता और कुछ हो ही नहीं सकता। मेरे को बस ये दिखा, मैंने ये भी नहीं देखने की जरूरत करी, ये आ गया बस आराम से 110। देखिए कितने प्यार से क्वेश्चन हो रहे हैं, कितने स्मूथली से ऑप्शन के बेस पे। और जिसको डाउट लग रहा है चलो भैया डिटेल में कर लेते हैं। अब देखो डिटेल में भी कैसे, अगर जो करना चाहता है अभी मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए ये भी करते रहो, अगर डिटेल मेथड भी करना है तो आप उसमें पेन ना उठाएं, कोशिश करें माइंड में करें उसको। अगर मैं ऊपर नीचे x से डिवाइड कर दूं तो ये तो 1 बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा x, ये क्या बन जाएगा 2 और ये क्या बन जाएगा 1 अपॉन x। तो x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू 3, तो x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू 3। तो x प्लस 1 अपॉन x में 2 घटाया जब 3 आया ना, तो x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू कितनी होगी 5 के बराबर बस। तो 5 की वैल्यू आ गई, तो ये पूछा है 5 क्यूब माइनस 3 पंजे 15, तो कितना आ जाएगा 110। बहुत ही इजी तरीका है बच्चों ये क्वेश्चन करने का, ये समझ बनाना आना चाहिए लेकिन। ठीक है चलिए एक और क्वेश्चन और करते हैं, एक लास्ट अच्छा क्वेश्चन करते हैं, फिर इसके ऊपर और कैसे कैसे चेंजेस आते हैं और कुछ बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, काफी बड़ी वीडियो हो गई। और मेरी रिक्वेस्ट ये है, आपको समझ जब ही आएगा जब आपने पिछली वीडियो देखी हो इसकी। अब इसकी वैल्यू पता लगा दी, आप देखिए ऑप्शन क्या है 125, 140, 155 और 170। अब जो मेरे साथ पढ़ रहा है उसको 1 सेकंड के अंदर आंसर दिख रहा होगा बड़े प्यार से, मुझे कुछ देखने की जरूरत ही नहीं थी, या माइनस का साइन है ना, और वो भी ना अगर मैं देखता तो इतना सा देख के एक बार झलक देखिए और मुझे पता लग जाता यहां से कौन से आंसर आ रहा है, किसके क्यूब के पास है, ये 5 के क्यूब के पास है और 5 के क्यूब में ये माइनस वाला है, तो 1 क्यूब प्लस 3a की फॉर्म बन जाएगी, यानी कौन सा आंसर हो जाएगा मेरा 140। बस इधर तो माथा मारने की जरूरत ही नहीं है, कोई दिमाग लगाए नहीं एग्जाम में, इससे आसान सिचुएशन क्या बनेगी। बच्चा क्वेश्चन इसको समझने में टाइम वेस्ट करेगा, उससे पहले तो आप ऑप्शन रीड कर रहे हो, अब तो मैं ऑनेस्टली बताऊं ऑप्शन आपसे रीड करवा रहा हूं, मैंने क्वेश्चन पे समझ नहीं बनाया, मैंने ऑप्शन पे रीड करवाना स्टार्ट किया आपको। और जिसको सेटिस्फेक्शन नहीं हो आराम से कर सकता है, देखिए 2 जोड़ेंगे तो 729 बनेगा, तो 729 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 27 का। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की फॉर्म आएगी 27, फिर 2 घटा देंगे तो एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स की फॉर्म कितनी आ जाएगी 5 के बराबर, बस उसी से हो रहा है। और ये भी माइंड के अंदर कर रहा हूं मैं, देखिए डिटेलिंग मेथड भी, तो 5 आ जाएगा x माइनस 1 अपॉन x की फॉर्म, तो 5 आ गया। अब माइनस वाला है तो a क्यूब प्लस 3 आ जाएगा ना, उधर चला जाएगा वो, तो हो जाएगा a क्यूब प्लस 3 कितना आ जाएगा 5 का क्यूब 125 प्लस 3 बन जाए 15, तो 140 आंसर आ गया भैया इसका भी।
ठीक है, तो इसके ऊपर और कुछ बढ़िया क्वेश्चन बनेंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर थोड़ा और बनाऊंगा। आप देखिए बहुत तसल्ली से पिछले ये दो लेक्चर आप देखेंगे तो आपको एक फील आएगी यार बड़े आसानी से क्वेश्चन हो गए, बहुत प्यार से, कितने प्यार से क्वेश्चन हो रहे हैं देखते ही। ठीक है, चलिए अब इसमें अगले क्वेश्चन में, इसी अगली वीडियो में 10-15 मिनट की और वीडियो बनाऊंगा, छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूं उसमें बताऊंगा इसमें क्या और चेंजेस करेगा। ठीक है, काफी क्वेश्चन आपके ऐसे हवा में हो जाएंगे। ठीक है, नमस्कार।